أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الله کو ببرکت نام سے جو بہن بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ویورز. جی آج صبح کا آغاز ہو چکا ہے تو میں بچوں کے لیے بنانا شیک بناؤں گی. بنانا رکھ دیے اور یہ میں اس میں दूध डाल जी व्यूअर्स, ये हमारा शेक तैयार हो गया. इसमें से मैं बग़ैर शुगर के पहले एक गिलास निकालूंगी, उसके बाद मैं इसमें शुगर डालूंगी. जी और सर, हमारा शेक तैयार हो गया है. मैंने इसमें चीनी भी मिक्स कर दी थी. पहले मैंने चीनी के बगैर निकाला है, अब मैंने चीनी वाला बनाया. बच्चों के लिए शुगर लगाइए. इसके बाद इंशाल्लाह इस वीडियो में आज नाश्ता नहीं बनेगा, सिर्फ मिल्क शेक ही पी के जाएंगे. अगर इसके बाद फिर आज जल्दी आना है उन्होंने, क्योंकि रिज़ल्ट है. तो उसके बाद आएँगे तो फिर आलू के पराठे इंशाल्लाह बनाते हैं. जी व्यूअर्स, साथ साथ हमने सारा काम कर लिया. ये सिर्फ थोड़ा सा रह गया था. बैठ के मैंने एक दफ़ा अच्छे तरीके से लगा लिया है फ़रनाइल डाल के. अब ये दूसरी दफ़ा डिटोल डाल के कपड़े के ऊपर, तो वो फर्श पे लगा रही हूँ. फ़रनाइल के साथ लगा ली हूँ ये बैठ के एक दफ़ा सारे कोनों में. तो ये लास्ट कोड होता है कि डिटोल वगैरह डाल के लगा देते हैं, कि आजकल डेंगू बड़ा फैला हुआ है. बेटा बड़ा बड़ा गुस्से हो के गया कि मम्मा आज हर हालत में सारा घर बंद करके तो स्प्रे कर दें. ये भाई भी आ गए, उनका बेटा मुजम्मल. ये है जी मुजम्मल. बाय कर दो मुजम्मल. बाय.
जमाल भाई कर दो। गुड, अम्मी लोग भी आज आ रहे हैं क्योंकि अम्मी गई हुई थी भाई की तरफ 2-3 दिन के लिए। आज वो भी वापस आ जाएंगे। ट्यूशन लगाने के बाद आज बहुत काम है क्योंकि कल सब्जियां लाई थी। आज सारी सब्जियों को कटिंग करके बॉक्सेस में बंद करके रख रखना है। ये पौ लगा दी मजम्मल ने दोबारा। जी जनाब, सारा घर माशाल्लाह हो गया नीट। देखिए अब हम करेंगे मोर्टिन स्प्रे कमरों में। ये जी मोर्टिन ये कमरे में लगा के तो बंद कर दिया हुआ है, अब दूसरे कमरे में लगा के तो इसका दरवाज़ा भी बंद कर दूंगी। डेंगी मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हुए हैं। इसको करेंगे जी बंद। अब स्टोर रूम में कर देंगे। जी हमने स्प्रे कर दिया, अब हम घर बंद कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स तो आज हम बना जी व्यूअर्स तो ये आलू और मटर हैं जो मैं मटन के साथ इनको बनाऊंगी। ये मटन है, अब इसमें घी डाल के तो इसे मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी और इसमें अदरक अभी मैंने ऐड करना है वो भूनते हुए मैं डालूँगी, कूट के मैंने रख लिया हुआ है। ये जनाब है अदरक जो मैंने कुंडी में पीस लिया है। ये इसमें मैंने सूखा धनिया, काली मिर्च और ज़ीरा तीनों चीज़ें पीस के साथ, अब ये जब मैंने भूनूँगी भूनते हुए फिर मैं इसको इसमें शामिल करूँगी। उसके बाद फिर सारी चीज़ें फ्राई करके दोपहर में हमने दही भड़े बनाए थे, फिर अम्मी आ गई और मेहमान आ गए, कुछ उनके चक्कर में लगी रही और व्लॉग बना ही नहीं सकी। अब शाम का टाइम खाना बना रही हूँ उनके साथ में, आपके साथ शेयर करूँ कि क्या कर रहे हैं। टीवी बस ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, अब इसमें मैं ये 2 चम्मच ऑयल के डालूंगी इसमें और साथ ही इसके मैं थोड़ा सा हल करके
और ये अदरक का पेस्ट जो मैंने पीस के रखा हुआ था अभी इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भूनूंगी। भूनने के बाद फिर मैं इसमें शामिल करूंगी मटर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने मटर डाल दिए, अब इनको 2 से 3 मिनट में भून लीजिए। देखिए भूनने के बाद इसमें आलू के बाद अब इनको मैं 2 से 3 मिनट भून लूँगी। भूनने के बाद फिर मैं इसमें पानी लगा लूँगी, जितनी मुझे ज़रूरत होगी, जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से, ये शोरबा रखना है उतना मैं इसमें पानी लगाऊँगी। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस देखें मटर और आलू मैंने कैसे भून लिए हैं। अब इसको मैं पानी लगाऊंगी, इतना पानी लगाऊंगी कि शोरबा भी बाजे और आलू और सालन जो भी है अच्छी तरीके से गल जाए। ये मैंने शोरबे वाला बनाना है। तो बस बनाना आया था हमने साग, लेकिन पता नहीं बेचारा जब भी निकालती हूँ कोई ना कोई आ जाता है, फिर उठा के रखना पड़ता है और उसके लिए तो प्रॉपर एक टाइम चाहिए कटिंग के लिए। और दूसरा ये कि मुझे कॉल भी आई कि इस सीज़न का जो साग है वो तो कड़वा बनता है, आपने कैसे बनाया। पिछली दफ़ा मैंने बताया भी था कि मैं पानी बॉयल एक दफ़ा करके उसे उतार लेती हूँ, फिर दूसरे पानी में शिफ्ट करके उसे पकाती हूँ। तो आज मैं इंशाल्लाह जब बनाऊँगी ना, या सुबह या रात को, तो पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे उसको साफ़ करूँगी और कैसे बनाऊँगी कि उससे आपका साग कड़वा नहीं बनेगा, विदाउट सीजन जो साग बनता है वो भी। ये मेरा ख्याल 15-20 दिन पहले, ये 1 महीना पहले मैंने बनाया था, अब दोबारा बनाऊंगी। आज वैसे साग भी मैंने फ्राई करना है, मेरी भाभी ने बनाया था आया है, तो मैं उसे फ्राई करूंगी आपके सामने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये साग आया है भाभी की तरफ से, मैं उसे अब थोड़ा सा फ्राई करूंगी। थोड़ा सा ही है, तड़का लगाऊंगी सिर्फ प्याज टमाटर और हरी मिर्ची के, बाकी चीज़ें ये देखिए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस साग हो गया हमारा फ्राई और उसमें मैंने डाल दिया है जी धनिया, सब्ज़ धनिया, क्योंकि इसकी खुशबू अम्मी को बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ मिर्ची की और इसकी, इसलिए मैंने क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा डाला है। मुझे साग बहुत पसंद है।
ये जनाब हमारा साग हो गया जी तैयार। अब हम सब्जी देखते हैं कि कितनी बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा गूंद के रोटियां भी मैंने साथ बनानी शुरू कर दी और सालन जो रखा हुआ था उसको भी चेक कर लेते हैं। जनाब ये है हमारा सालन, मैंने धनिया कटिंग करके ऊपर डाल दिया हुआ है और ये देखें इतनी सी मैंने ग्रेवी रखी है। ये आलू मटर गोश्त का सालन है। ये हमारा तैयार हो गया। ये है जी साग, वो भी मैंने डोंगे में निकाल लिया है। यहाँ मैं रोटी बनाती हूँ। व्यूअर्स अपने व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमें भी और आपके दस्तरखान को वसी करे और हमारे भी। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।